मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 7। दोस्तों, अब तक हमने देखा जेहुक और जीवोन दोनों को ही BTS सॉन्ग के वजह से एक दूसरे का सच पता चल जाता है। आगे जेहुक जीवोन से पूछता है, तुमने कहा कि मीनान को सुमिन के साथ शादी करनी होगी, पर जीवोन कहती है हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मीनान की मुझसे शादी हो जाएगी और आगे जाकर मैं कैंसर से बीमार हो जाऊंगी। मेरी पीठ पीछे मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमिन और मीनान दोनों मुझ पर चीट करेंगे, आखिर में वो दोनों मुझे मार देंगे। यानी कि अगर मैंने अपनी फेथ चेंज नहीं की तो जो पहले हुआ था वो होकर रहेगा। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? पर जियोग कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैंने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया सिवाय उस रियूनियन पार्टी के। ये सुनकर जीवन उसे पूछती है, तो तुमने ही इनो को उस पार्टी में भेजा था, लेकिन तुम उस रेस्टोरेंट के बारे में कैसे जानते हो? इस पर जियोग उसे कहता है, क्योंकि वो उसके फ्यूनरल में गया था। ये सुनकर जीवन सैड होने लगती है और उसे पूछती है, तो मेरा फ्यूनरल कैसा था? और जियोग उसे बताता है, बहुत ही सैड दिन था वो, तुम्हारे जाने के बाद बहुत सारे लोगों को रिग्रेट हुआ। सुनकर जीवन हंसने लगती है और कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे मरने पर आखिर किसको दुख होगा और कौन रिग्रेट करेगा, मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। आगे जियोग उससे कहता है, हमें बहुत सारी लंबी बातें करनी है, कहीं हम जाकर बैठकर बात करते हैं। और इसके लिए जीवन हाँ कर देती है। के बाद जियोग जीवन को अपने घर पर ले आता है। जीवन जैसे ही अंदर आती है तो उसका कैट उसके पास आने लगता है, लेकिन जियोग उसे उठा लेता है और कहता है, इसे दूसरे लोग पसंद नहीं है। लेकिन जैसा वो कह रहा था उसका उल्टा होता है, वो जीवन से जाकर फ्रेंडली होने लगता है और जीवन को भी कैट बहुत ही पसंद है। वेल, यहाँ पर ये नहीं बताया जाता क्या ये वही कैट है जिसे बचाते हुए जियोग कार के सामने आ गया था। जियोग जीवन से कहता है, तो क्यों ना तुम मीनान से ब्रेकअप कर लो और सुमिन से पूरा कट ऑफ कर लो। इस पर जीवन उससे कहती है, मैंने ये सब कर देख लिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं मीनान से ब्रेकअप कर लेती हूँ तो वो पागल हो जाएगा या उसे दौरे भी पड़ सकते हैं। जैसा कि 10 साल पहले उसने मुझे मार दिया था, तो हो सकता है गुस्से के कारण वो मुझे अभी मार दे। पर जियोग उससे कहता है, तो क्यों ना तुम बहुत दूर चले जाओ, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। जीवन कहती है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे एक रास्ता मिल गया है। वो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, मेरे इस हाथ पर जलने का निशान था। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और दिखाती है, ये निशान मेरे हाथ पर था। मुझे याद है गर्म केतली गिरने के कारण मेरा हाथ जल गया था, लेकिन इस बार तुमने मुझे बचाया जिस वजह से तुम्हें चोट लग गई। यानी कि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन मैं अपनी फेथ को चेंज कर सकती हूँ। सुनकर जियोग को बड़ा शौक लगता है और कहता है, यानी कि चोट के बदले चोट लगेगी और शादी के बदले शादी होगी। इसका मतलब साफ है कि मौत के बदले भी मौत जरूर होगी। फ्लैशबैक में देखते हैं, फ्यूनरल के खत्म होने पर जियोग जब वहाँ से बाहर आ रहा था, तब वो बहुत ही सैड था और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे जब वो घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती और वो परेशान होकर बारिश में ही भीगने लगता है। लेकिन तभी सामने से वही टैक्सी आती है जिसके अंदर जीवन के फादर थे। वो जियोग को लिफ्ट देता है और उसे देखकर वो उसे पूछता है, कर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी बहुत ही कीमती चीज खो दी हो। इस पर जियोग भी उनसे कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ है, मैंने अपना वक्त चांस मौका सब कुछ गवा दिया है और अब तो बहुत ही देर हो गई है। उसके जाने के बाद मुझे फील हुआ मैं तो बस अपनी लाइफ काट रहा था और अब मुझे अपने आप पर बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है कि तब मैंने अपना चांस क्यों गवा दिया। अगर मैं अपना चांस नहीं गवाता तो शायद रिजल्ट आज कुछ और होता। सुनकर जीवन के फादर उससे कहते हैं, अगर मान लो तुम्हें फिर से एक चांस मिले तो तुम क्या करोगे? इस पर जियोग कहता है, ये इम्पॉसिबल है, अब मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। फिर से उसे कहते हैं, पर फिर भी मान लो अगर तुम्हें चांस मिलता है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम सेकंड चांस में वो सब कुछ हासिल कर पाओगे इसके लिए तुम अभी रिग्रेट फील कर रहे हो? जियोग सोचता है और कहता है, वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मुझे सेकंड चांस मिलता है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, उस हर एक चांस को खींच लाऊंगा जो मैंने गवा दिया, इस तरह मैं उसका साथ देता। वेल, प्रेजेंट में जीवन जियोग से पूछ रही थी, आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे तो लगा था मैं मर गई, लेकिन जब मैं जागी तो मैं 2013 में थी। जियोग कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे नींद आई और मैं सो गया और जब मैं जागा तो मैं भी 2013 में था। यहाँ पर हम जियोग को परेशान होते हुए देखते हैं क्योंकि हकीकत में तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। जीवन के लॉजिक के हिसाब से अगर उसने भी अपनी फेथ चेंज नहीं की तो वो भी मर जाएगा, लेकिन जियोग ये बात जीवन को नहीं बताता। कल अगले मॉर्निंग हम मिस यांग को ऑफिस में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ सभी मिल किट के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे कि इतना मैसिव और क्लैश होने के बाद ये प्रोजेक्ट दूसरी टीम को मिल जाएगी और मिस यांग ये सुनकर अफसोस कर रही थी क्योंकि वैसे भी ये प्रोजेक्ट तो जीवन का था, पर फिर भी उसे ये प्रोजेक्ट मिला, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट भी उसे छीन सकता है। आगे है पर हम मिस्टर ली को आते हुए देखते हैं और वो डायरेक्ट मिस यांग के आगे से निकल जाते हैं। पास्ट का एक छोटा सा सीन देखते हैं, पर मिस्टर ली मिस यांग से कह रहे थे, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं,
वेल, इसके आगे क्या हुआ था ये हमें आगे ही पता चलेगा। मिस्टर ली की कंपनी में आते ही भूचाल मच जाता है क्योंकि अब वो यहाँ के नए एचआर है और वो ही मेल किट प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट भी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जियो को अभी भी घर पर सोते हुए देखते हैं। उसके पास योन का कॉल आता है और कॉल को उठाते ही हम जियो को सीरियस होते हुए कंपनी में आते हुए देखते हैं। वो डायरेक्ट आकर मिस्टर ली से मिलता है और यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर ली कोई और नहीं बल्कि जियो का स्टेप ब्रदर है। देखने से लगता है कि इन दोनों में बिल्कुल बनती भी नहीं है। आगे हम इन दोनों को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जियो उससे कहता है तो तुम्हारा ट्रांसफर एचआर में हो गया है। ली उससे कहता है हाँ मुझे सैलरी मिलती है, मुझे जो कहा जाता है मैं वही करता हूँ और मुझे यहाँ पर चेयरमैन ने भेजा है। ये सुनकर जियो कहता है मुझे नहीं लगता उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा। इस पर ली कहता है चेयरमैन कुछ भी कर सकते हैं, चाहे फिर वो कंपनी के लिए हो या फिर फैमिली के लिए। फिर वो न्यूज़पेपर उठाते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये लड़की तुम्हारी टाइप की है। न्यूज़पेपर पर जीवन की तस्वीर थी। वो कहता है तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम ये प्रोजेक्ट मिस कांग को देने वाले हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो इसका डिसीजन मैं लूंगा। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिस यांग को देना है और वही इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन करके रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ऐसा ही चलेगा, लेकिन तुम मिस कांग को टीम की मीटिंग में शामिल कर सकते हो। ये लड़की दिखने में बहुत ही हम्बल लगती है तो मुझे नहीं लगता ये सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी। ये सुनकर जियो को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो रुकता है और कहता है इस पूरे प्रोजेक्ट ने इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया और तुम्हें लगता है कि ये लड़की किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जबकि ये प्रोजेक्ट उसी का आइडिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट में सबसे बेहतर काम मिस कांग के अलावा कोई और भी कर सकता है। ये कहकर जियो यहाँ से चला जाता है। आगे जियो की मिल की टीम के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पर जीवन बड़ी आस लगाए बैठी हुई थी कि इस बार इस प्रोजेक्ट को उसे लीड करने दिया जाएगा। और यहाँ पर जियो भी भारी मन के साथ कह देता है कि इस प्रोजेक्ट को मिस यांग ही लीड करेगी और मिस यांग के अंडर 3 असिस्टेंट मैनेजर होंगे, इस प्रोजेक्ट को असिस्ट करेंगे और वो होंगे मिस योन, सुमिन और मिनहान। ये कहकर जियो यहाँ से जाने लगता है और जीवन उसके पीछे दौड़ कर जाती है और उससे कहती है इस प्रोजेक्ट को तो मैं लीड करने वाली थी। जियो उससे कहता है इस प्रोजेक्ट को मिस यानी अच्छे से लीड कर सकती है। जीवन कहती है वो तो ठीक है पर इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 असिस्टेंट मैनेजर कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तब जियो उससे कहता है ये तो अच्छा है ना, और तुम्ही तो चाहती थी मिनान सुमिन के पास रहे, तो क्या ये एक अच्छा मौका नहीं होगा। और ये कहकर जियो यहाँ से निकल जाता है। प्रोजेक्ट के अंदर मिनान का नाम भी शामिल हो गया था, इससे मिनान बहुत ही खुश था। लेकिन योन का कहना होता है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 असिस्टेंट मैनेजर होंगे। और यहाँ पर सुमिन भी बहुत खुश थी, कहती कि हो सकता है इस प्रोजेक्ट को वो नेक्स्ट ईयर भी लेकर जाने वाले हैं। वैसे भी ये प्रोजेक्ट अब कंपनी के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुकी है। जब ब्रेक होता है तो मिनान सुमिन के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आता है और ये पीते हुए सुमिन बहुत ही इतरा रही थी। मिनान उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है क्योंकि वो अब योन से आगे निकल चुकी थी। सुमिन भी उसे थैंक यू कहती है कि वो उसे कंपनी की तरफ से होने वाले वर्कशॉप में आने के लिए पूछता है। उसी तरफ हम जियो को बहुत ही गुस्से में और परेशान होते हुए भी देखते हैं क्योंकि उसे जीवन की सारी बात समझ आ गई थी और उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि जीवन के फादर की तरफ से ही उसे दूसरा चांस मिला है। फ्यूचर में उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी, यानी कि 10 साल बाद उसके साथ ऐसा जरूर होगा और वो मारा जाएगा। ये सब सोचकर वो और भी सैड हो जाता है। आगे हम उसे इनो के रेस्टोरेंट में देखते हैं। जब इनो को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसके पास जाता है, देखता है कि जियो बहुत ही सैड है। उसे कहता है मैं तो डर गया था क्योंकि मुझे लगा आज भी तुम मेरे लिए आए हो। जियो उससे पूछता है क्या तुम डायनामाइट के बारे में जानते हो, लेकिन ये बात इनो को समझ नहीं आती तो जियो उससे स्प्रिंग डे के बारे में पूछता है। तब इनो उसके पास बैठता है और कहता है मेरे हिसाब से स्प्रिंग डे मार्च और मई के मंथ के बीच में आता है, इसके अलावा मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। ये सुनकर जियो उसे बधाई देता है और कहता है तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम लंबे जियोगे। वेल, ये सब बातें तो इनो को बिल्कुल समझ नहीं आती और काफी देर बाद हम जियो को पूरे नशे की हालत में देखते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर योन आती है और वो आकर जियो को उठाने लगती है। दरअसल जियो ने योन को कॉल लगाया था और योन उसे यहाँ पर लेने आई थी। जब वो जियो को उठा रही थी और हंस रही थी तो उसकी आवाज सुनकर इनो को याद आता है कि उसने ये वॉइस जीवन के कॉल से भी सुनी थी और वो योन से पूछता है क्या तुम जीवन को जानती हो, और इनो बता देता है कि उस दिन जो केक उसने भेजा था वो उसी के रेस्टोरेंट से है। फिर योन चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है जहाँ पर रेस्टोरेंट का नाम भी लिखा था और उसे समझ आ जाता है कि ये जीवन का फ्रेंड है। कहती है कि उस दिन जो उसने केक भेजा था वो बहुत ही टेस्टी था और उसने उसे बहुत ही इंजॉय भी किया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं अपने गुस्सेल भाई को लेने आई हूँ जो कि मेरा बॉस भी है। अगले मॉर्निंग हम जियो को शूटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक सर्वेंट आती है
और उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। वो उसे कहती है कि उसके ग्रैंडफादर उसे बुला रहे हैं। जेहोक इसके बाद अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। उसके ग्रैंडफादर उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि योरा ने मिस्टर वोंग का केस अच्छे से संभाल लिया है, उसने उसके इमेज का पूरा ख्याल रखा, ये बहुत ही स्मार्ट लड़की है। इसके बाद वो जेहोक से कहता है कि मैंने सुना है कि कंपनी में तुम्हारा ली के साथ आर्गुमेंट हो गई थी। इस पर जेहोक मना कर देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं ऐसा हुआ तो जरूर था, पर जैसे तुम इसके लिए मना कर रहे हो ली ने भी मना कर दिया। ये सुनकर जेहोक कहता है लगता है कंपनी में आपके और भी आदमी है जो वहाँ की खबरें आपको देते हैं। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे आदमियों को हटा दोगे लेकिन ली को नहीं हटा पाओगे, उसके साथ मिलकर काम करो कंपनी के लिए ये फायदेमंद होगा और मैंने गैंग चोल से बात भी कर ली है, मेरा जितना उस पर एहसान है वो इसके लिए कभी मना नहीं करेगा। दरअसल ग्रैंडफादर यहाँ पर यूरा के साथ जियोक की शादी की बात कर रहे थे। जियोक से कहते हैं तुम यूरा का ध्यान रखो और उससे मिलो। ये सुनकर जियोक कहता है तो आप चाहते हैं कि मैं यूरा से शादी करूँ। तभी ग्रैंडफादर गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं अगर मैं यही चाहता हूँ तो तुम क्या करोगे। वो अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद वो उससे पूछ लेता है तो बताओ मैं उस लड़की से कब मिल सकता हूँ, यानी कि वो जीवन की बात कर रहे थे। जब जियोक इस पर भी जवाब नहीं दे रहा था तो वो कहते हैं तुम जो चाहते हो वही तो कह रहा हूँ मैं। इस पर जियोक कहता है आप ये नहीं कर पाएंगे, जैसे आप मेरी खुशी चाहते हैं मैं भी उसी की खुशी चाहता हूँ। ये कहकर जियोक यहाँ से निकल जाता है। जियोक के मन में एक ही बात चल रही थी कि मेरे पास सिर्फ 10 साल का टाइम ही है लेकिन इस बार मैं ये सोचते हुए रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मैं जीवन के लिए हर वो चीज करूँगा जिससे उसे खुशी मिले, चाहे आगे जाकर उसकी खुशी में मैं रहूं या ना रहूं। अगले दिन हम ऑफिस में दूसरे स्टाफ को रोय जेंटल के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। रोय जेंटल की स्टॉक मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। यही सुनते हुए मेनान जीवन से कहता है क्या तुमने सुना मैंने जो स्टॉक तुम्हारे लिए बेच दिए थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो इससे तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना सोचता हूँ, लेकिन चिंता मत करो वो स्टॉक मैंने TKU कंपनी में लगा दी है। फिर हम जीवन को भी उसका स्टॉक चेक करते हुए देखते हैं कि स्टॉक की इंक्रीजिंग 701% से आगे बढ़ गई थी, यानी कि जीवन को बहुत ही फायदा हुआ, लेकिन फिर भी वो अपना स्टॉक नहीं बेचती। तभी उसे मेनान बुला लेता है और उसके जाते ही सुमिन आकर उसके लैपटॉप पर बैठ जाती है और चेक करने लगती है कि जीवन क्या देख रही थी। ये देखकर सुमिन कहती है तो अच्छा जीवन ने भी स्टॉक खरीद रखा है, वो भी मेनान को बिना बताए। फिर वो देखती है कि स्टॉक की इंक्रीजिंग 701% से बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ नहीं आती कि इतनी इंक्रीजिंग होने के बाद भी जीवन ने अभी तक अपना स्टॉक क्यों नहीं बेचा। सुमिन यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कहीं जीवन ऐसा तो नहीं सोच रही कि स्टॉक की प्राइस और भी इंक्रीज होने वाली है। यही सोचकर वो भी कुछ रोय जेंटल के स्टॉक खरीद लेती है। उसी तरह मिनान जीवन को मस्का लगाने की कोशिश करता है और उसे कहता है तुम्हें याद है मैं सुमिन को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया था, वो बहुत ही अच्छा प्लेस है और वहाँ पर पूरे टाइम मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि आज रात को मैं तुम्हें भोपाल लेकर चलूँ, तो मैंने तुम्हें जो स्टॉक बेचने से पहले पैसे दिए थे आज हम भोपाल जाकर उन पैसों को खर्च करेंगे। दरअसल पैसे निकालने की मिनान की एक ट्रिक थी, पर वो पैसे इसलिए चाहता है ताकि वो सुमिन को इम्प्रेस कर सके और जीवन भी उसकी ये ट्रिक अच्छे से जानती थी, लेकिन मिनान ने जो उसे पैसे दिए थे उससे तो जीवन ने रोय जेंटल के स्टॉक खरीद लिए थे, इसलिए वो उसे बहाने देने लगती है और कहती है मुझे माफ करना पैसों से मैंने इंश्योरेंस ले लिया था और अगर मैं उसे अब कैंसिल करती हूँ तो हमें आधे ही पैसे वापस मिलेंगे। ये सुनकर मिनान को गुस्सा आने लगता है और वो जीवन पर चिल्लाता है और कहता है मैंने सोचा था तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम तो बुद्धू निकली, इंश्योरेंस सब स्कैम होते हैं, इसमें सिर्फ कंपनी के ही फायदे होते हैं, अब मैं क्या करूं पैसे कहां से लाऊं, क्या मैं TKU स्टॉक को बेच दूं। ये सुनते ही जीवन सोचने लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि TKU के स्टॉक बहुत ही घाटे में जाने वाले हैं और वो मिनान का नुकसान चाहती थी, इसलिए वो उससे कहती है प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुमने मेरे लिए रोय जेंटल के स्टॉक भी बेच दिए थे और अगर अब तुम इन्हें भी बेच दोगे तो मुझे बुरा लगेगा, वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ सेविंग है तुम उसे अभी वो पैसे उधार ले लो। और बात रही आज रात डेट के लिए तो एक काम करते हैं इस वीकेंड में तुम और मैं सुमिन हम तीनों डे आउट के लिए चलेंगे। ये सब सुनकर मिनान खुश हो जाता है और वीकेंड के दिन हम इन तीनों को गार्डन में आते हुए देखते हैं जहाँ पर मिनान तो पूरे टाइम सुमिन के साथ ही बिजी था। आगे ये तीनों जब रेस्ट कर रहे थे तो जीवन उन दोनों से कहती है तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही प्रीवियस हो, सुमिन मेरे साथ मिडिल स्कूल से है और हम दोनों अभी भी साथ हैं और मिनान तुम मुझे कंपनी में मिले थे और अब भी तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर सुमिन कहती है तुमने ठीक कहा हम तीनों फैमिली है तो हम तीनों को साथ में रहकर खुश रहना चाहिए। तभी मिनान भी बैठता है और वो जीवन को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी जीवन को फ्लैशबैक आते हैं
जहाँ पर मीनान उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। देखकर जीवन डर जाती है और दोनों पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। जीवन कहने लगती है कुछ नहीं, वो एक बग थी। ये सुनते ही सुमिन चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे बग से बहुत ही डर लगता है, और मीनान सुमिन के ऊपर से बग हटाने लगता है। तभी जीवन को याद आता है कि ये सीन उसके साथ हुआ था, लेकिन इस टाइम पर उसकी जगह सुमिन है। वो मीनान से कहती है कि तुम्हें याद है एक बार तुमने मेरे ऊपर से ऐसे ही बग हटाया था। मीनान कहता है ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो फिर से सुमिन पर ध्यान देने लगता है और जीवन की नज़र एक कपल पर जाती है जो साइकिल चला रहे थे। उसे याद आता है कि मीनान भी आगे उसे साइकिल सिखाने वाला है। तभी जीवन का फोन बजता है और वो यहाँ से बिजी होकर जाने लगती है और वो दोनों उसे बुलाते रह जाते हैं। दरअसल ये जीवन की एक छल थी उन दोनों को साथ में छोड़ने की, और उसने इनो को कॉल किया था और इनो ने उसे कॉल बैक किया। जीवन उससे कहती है मुझे माफ करना, मुझे एक जगह से निकलना था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तभी इनो कहता है पर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। और ये सुनकर जीवन जल्दी से ऑफिस के बाहर पहुँचती है, जहाँ पर हम इनो को एक बुके के साथ देखते हैं। सब कुछ फिर से जियोक दूर से देख लेता है। वह आगे जीवन जियोक के ऑफिस के अंदर आ जाती है और उसे बताती है कि वह फिलहाल मीनान और सुमिन दोनों को अकेले छोड़कर आई है। जिसके बाद जियोक भी उसे बताता है कि जब वो 2021 में चेयरमैन बनने वाला था तब उसने दो चीजों को मिस कर दिया, क्लाउड एयर और के टाइल टूर को। जीवन कहती है कि मुझे याद है ये दोनों पहले UNK कंपनी के सहयोगी थे, पर आगे जाके ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जियोक कहता है और एक चीज हुई थी, जब मैं चेयरमैन बन गया तब ली ने रिजाइन कर दिया। इस पर जीवन कहती है पर उसने ऐसा क्यों किया था। जियोक बताता है शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं करता कि कोई उसे कंट्रोल करे, इसी वजह से मैं तुम्हें मिल के प्रोजेक्ट में लीडर नहीं बना पाया। वैसे मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं ली के साथ रहकर काम करूं, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन इसके अलावा तुम्हें मुझसे और कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं सब करने को तैयार हूँ। और थोड़ी देर बाद हम जियोक को फिर से इनो के रेस्टोरेंट में देखते हैं। इनो उससे पूछता है तो क्या तुम फिर से अनलिमिटेड पीने वाले हो, और जियोक कहता है नहीं मैं बस यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हें जानने आया हूँ कि तुम स्टेबिलिटी दे सकते हो या नहीं। दरअसल जियोक इनो को पूरी तरह से परखना चाहता है कि वो जीवन के लिए सही जीवन साथी होगा या नहीं, क्योंकि इन द एंड उसे तो मरना ही है, तो वो जीवन के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएगा। तो जीवन की खुशी के लिए और लाइफ पार्टनर के तौर पर वो इनो को सिलेक्ट करना चाहता है, पर उसकी ये सारी बातें इनो को समझ नहीं आती और वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे क्यों जानना चाहता है। अगले दिन कंपनी की तरफ से वर्कशॉप रखा जाता है और इसकी सारी जिम्मेदारी योन को दी जाती है। योन ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाती भी है। इस वर्कशॉप में गेम जीतने के तौर पर अलग अलग फैसिलिटीज भी है, जैसे नंबर वन पर वैन की सारी फैसिलिटीज थी और सुमिन चाहती भी थी कि उसे नंबर वन मिले, और नंबर फाइव पर स्लीपिंग बैग्स थे। जो नंबर फाइव पर आएगा उसे पूरे दिन बैग के अंदर घुसकर सोना होगा। ऐसी जगह पर आकर कोई इस तरह अपना समय तो बर्बाद नहीं करना चाहेगा। आगे गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग नंबर वन की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ पर सुमिन जीवन को लेकर एक झोपड़ी के पीछे छिप जाती है और योन की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर योन अपनी टीम के साथ बात कर रही थी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे जगह पर नंबर वन के फ्लैग को छुपाया है। तुम्हें ये कह देते हैं कि उन्होंने नंबर वन को पानी की झील की तरफ छुपाया है। ये सुमिन सुन लेती है और सोचती है काश यहाँ पर मिस्टर किम होते तो वो उसकी हेल्प ले पाती, फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है तो वो मीनान की हेल्प ले सकती है। फिर वो जीवन से पूछती है कि इस वक्त मीनान कहाँ पर है, और जीवन सोच रही थी कि उसे नंबर टू मिला था जिसकी वजह से वो पूरा दिन टेंट के अंदर रही, वही मीनान को नंबर फाइव मिला और उसका पूरा दिन सोते हुए निकल गया। लेकिन वही नंबर वन मैनेजर किम और सुमिन को मिला, यानी कि सुमिन को जो चाहिए होता है वो आखिर मिल ही जाता है। जब वो कोई जवाब नहीं दे रही थी तो सुमिन उससे पूछती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसके बॉयफ्रेंड को लेकर जाए। जीवन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसकी हेल्प ले सकती हो। ये बात सुमिन निकल जाती है मीनान को ढूंढने, क्योंकि वो चाहती थी कि मीनान स्विमिंग करके उसके लिए वो फ्लैग लेकर आए। वही जीवन अकेले निकल जाती है नंबर वन के फ्लैग को लेने के लिए। वो अपने सामने जियोक को आते हुए देखती है, जियोक भी उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम्हें पता है कि नंबर वन को कहाँ छुपाया होगा, और जीवन कहती है हाँ मैंने योन को बातें करते हुए सुना, उसने नदी की तरफ नंबर वन के फ्लैग को छुपाया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये सुनकर जियोक कहता है चलो, तभी जीवन उसे रोकती है और कहती है इस तरह नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हर तरह से मदद करना चाहते हो, लेकिन तुमने ही कहा था ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो ये तुम मुझे करने दो। मैं अपने लाइफ में सब कुछ बदलना चाहती हूँ, वो भी सिर्फ अपनी मदद से। क्या पता तुम अगर मेरी मदद करना चाहो और कुछ तुम्हारी लाइफ में चेंज हो गया तो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बल पर आगे बढूं। जिसके बाद वो जियोक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जियोक उसे अपना चेस्ट दिखाता है जिसमें वही निशान था। वो उसे कहता है तुमने कहा था ना तुम्हें अपने फादर की तरफ से अलाउनेंस मिली है, तो ये निशान देखो और समझो तुम्हारे डैड ने ही मुझे सेकंड चांस दिया है, तो तुम जैसे चाहो मेरा यूज कर सकती हो, क्योंकि मुझे ये चांस तुम्हारे वजह से ही मिली है। देखकर जीवन के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो उसे कहती है
पर मैं इसे स्पेंड नहीं करना चाहती। तुम भी शायद कुछ ऐसा करना चाहते होंगे जो तुम नहीं कर पाए, तो इस सेकंड चांस में तुम वो सब करना। और मैं चाहती हूँ मेरे डैड की तरफ से दिया गया अलाउंस भी खुश रहे। जिसके बाद वो जियोक से पूछने लगती है कि वो सेकंड लाइफ में क्या करना चाहता है। वो वही करे और खुश रहे, क्योंकि वो खुद के लिए ऐसा ही करने वाली है, वो भी अपने तरीके से। दूसरी तरफ सुमिन मीनान को ढूंढ लेती है और मीनान के पास हम नंबर 5 फ्लैग को देखते हैं। सुमिन उसे देखते ही अपने आप को कांटे से क्रोच लगा लेती है और चिल्लाने लगती है। मीनान उसके पास दौड़कर आता है और देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है, और सुमिन फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। उससे कहती है कि उसे पता है कि नंबर 1 फ्लैग कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर पानी है। अगर वो पानी के अंदर गई तो उसकी चोट और ज्यादा खराब हो सकती है, तो क्या नंबर 1 फ्लैग पाने में वो उसकी हेल्प कर सकता है? मीनान यहाँ पर उसके लिए हाँ कर देता है। वही हम जीवन को देखते हैं जो पानी के पास पहुँच गई थी और उसे नंबर 1 फ्लैग भी दिख जाता है। जीवन पूरी तरह से रेडी होकर पानी के अंदर जाने लगती है, और वही जेहुक कैंप पर लौट आया था, जहाँ पर योन हड़बड़ाते हुए मिस यांग के पास जाती है और कहती है कि मास्टर ने बताया कि जहाँ पर नंबर 1 फ्लैग लगाया है वहाँ पर पानी डीप है, तो हमें वहाँ पर जाकर उस फ्लैग को वहाँ से हटाना होगा। और ये सब कुछ जेहुक भी सुन लेता है। दूसरी तरफ जीवन को देखते हैं जो पानी के अंदर आ चुकी थी। जब वो और आगे बढ़ती है तो वो डूबने लगती है, और तभी यहाँ पर जेहुक भी आ जाता है जो जीवन को बचाकर किनारे ले आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना हेल्प ले लो, पर तुम हेल्प क्यों नहीं लेना चाहती? तुम बिना सोचे समझे पानी के अंदर आ गई, ये भी नहीं सोचा कि ये कितना डीप हो सकता है। जीवन भी उसे समझा रही थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जियोक उसके लिए बहुत ही ज्यादा डर गया था, वो उस पर गुस्सा कर रहा था। तो जीवन भी उस पर चिल्लाती है और कहती है, मैं सुमिन नहीं हूँ, मैं उसकी तरह दूसरों की हेल्प लेके आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं जीवन हूँ और मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुमिन गलत है और मैं सही हूँ, मुझे अपने लिए सब कुछ करना है जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और खुश रह सकूँ। जियोक जीवन को इस तरह देखकर उसके सवाल के बारे में सोचने लगता है कि उसने उससे पूछा था कि उसे क्या चाहिए, और जब वो जीवन से पहली बार मिला था तब जीवन ने उसे कहा था कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए, और कहीं ना कहीं जियोक को भी यही चाहिए था, और इसीलिए वो जीवन को उसके सवाल का जवाब देता है और कहता है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।